पंजाब चोणा नजदीक पंजाब कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना लई प्रचार करन पहुंचे उन्हां दे पति ते पंजाब जी साबका डीजीपी रह चुके मोहम्मद मुस्तफा वलो धर्म ते कीते बयान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दित्तियां ने। एक बार तुहानू भी उह विवादित बयान दी पूरी वीडियो दिखाउने आं। जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितरों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। इस मामले नु ले हुण भाजपा पार्टी च रोस पाया जा रहा है। भाजपा आगू तरुण चुग ने जिथे इस बयान की निंदा की, उथे ही भाजपा वालों चंडीगढ़ च प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब कांग्रेस ते हाई कमान तो इस बयान नु ले जवाब मंगया गया। मोहम्मद मुस्तफा जेडे डीजीपी रहे और पिछले काफी दिनों च जो नवजोत सिंह सिद्धू बने वो चर्चा च भी रहे, उन्होंने यह बयान आना यह स्पष्ट करता है कि पंजाब दे अंदर उन्हां दी सोच की है और पंजाब च किस तरह कांग्रेस पार्टी दोबारा एक माहौल खराब करने वाल तुरी हुई है। पाकिस्तान दे जेडे एजेंडे ने कि पंजाब दे हिंदू सिखां नू डराओ, वो डराने का काम हो रहा है। ये है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म, ये किस तरह की भाषा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका जवाब देना होगा ना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को, ना सिर्फ उनकी पत्नी को, ना सिर्फ चन्नी जी को, बल्कि राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, पूरी की पूरी कांग्रेस की पूरी जो पूरी प्रणाली है उसको। मुझे लगता है हम सबको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी पंजाब की टीम इसको लेकर एक सख्त कदम के लिए मांग कर रही है। उन्होंने एक बयान दिया और पंजाब को धर्म के नाम पे बांटने की, पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिशें करी। उन्होंने खुलेआम कहा कि घर में घुसकर मारूंगा। उन्होंने एक धर्म का सहारा लेते हुए समाज में दरार बांटने की कोशिश करी। कहा अगर मैं अपनी पे उतर आया तो कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, और न जाने क्या क्या कहा। सीधे तौर पे चुनावों से पहले पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें करी जा रही। मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुस्तफा साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया जाए। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जब मुस्तफा दे बयान नु लेके सवाल पूछा गया तो कहंदे ओ नजर आए कि पंजाब गुरुआं दी धरती है ते गुरु आखदे हन कि हर तरफ बराबर है। ये फोटो देख रहे हो, एंड तक देख रहे हो, ये विचारधारा से है कांग्रेस। पंजाब, पंजाब दा बच्चा बच्चा, ना हिंदू ना मुसलमान, असी जिउने आ गुरां दे नाल ते उन्हां गुरुआं दी विचारधारा इक ही है। मानस की जात सब है एक, है पहचान बहु, एकस पिता एकस के हम बारक। इसे करके आदि अनंत दरबार साहब जिन्हें साफा बनिया भी है, जिन्हें साफा बनिया नहीं वो भी हिस्सा है उहदा। छाओ वरना नु खुला, किसे नु रोक नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। जदों ये पंजाब है और जदों कोई एक धर्म नु किसे दूसरे धर्म नालों उच्चा दसदा है, पंजाब पुट्ठा चलदा है। इसे करके पंजाब पंजाब है। पंजाब 2022 चोणां तो पहला हिंदू ते मुसलमान भाईचारे नु लै दित्ते बयान नु लै भाजपा दे आगू इस नु माहौल खराब करन दे इरादे नाल दित्ते बयान वजों देख रहे हन, जिस नु लै उन्होंने पूरी कांग्रेस सरकार ते ही इल्जाम लगाए हन ते मुस्तफा दे इस धर्म नाल जुड़े बयान ने सियासी तरातल ते भी उचाल लिया दित्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरे मसले नूं लैके जी मीडिया ने साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा दे नाल भी खास गलबात की है। की कुछ गया देख लेने हैं। हम मौजूद हैं मलेरकोटला में। मोहम्मद मुस्तफा की एक वीडियो वायरल हुई जो कि
काफी राजनीति जिससे गर्म हो चुकी है क्योंकि उसमें शब्दों को लेकर दूसरी पार्टियां कटाक्ष कर रही हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफा मौजूद है। मुस्तफा जी, आपकी एक वीडियो वायरल हुई है परसों रात की, क्या कहना चाहोगे, क्या था असल सच्चाई, क्या है वीडियो में? कौम की बात की जा रही है, उसमें कह जाएगा भी मैं घर में घुसूंगा, तो वो क्या एपिसोड था, कैसी मीटिंग थी वो? मैंने संबित पात्रा जी का एक ट्वीट देखा, उसमें लिखा मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि मैं हिंदुओं के जलसे नहीं होने दूंगा। मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूँ, आपको हर मसले में हिंदू मुसलमान क्यों नजर आता है? न तो वहाँ पे कोई मुद्दा था हिंदू मुसलमान का, न वहाँ पे कोई कंटेक्स्ट था हिंदू मुसलमान का, न वहाँ पे कोई बात हुई है, न मलेरकोटला में ऐसी कभी कोई बात हुई है। वहाँ पे जो भी इशू थी, जो भी प्रोवोकेशन था, उसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ झाड़ू वाले हैं वो भी मुसलमान है, दूसरी तरफ पंजे वाले हैं वो भी मुसलमान है। तो न तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई कंटेक्स्ट था, कोई संदर्भ था, न कोई जिक्र आया हिंदू का। बेशर्मी से उसने ये बात लिखी है। मैंने ट्वीट की रिप्लाई भी किया है कि ब्लडी लाई, और मैं क्या कह सकता हूँ। सर, वो जो प्रोग्राम था वहां पे, क्या आपके पास कोई प्रोग्राम हो रहा था आप पार्टी वालों का, जिसको लेकर आप बोल रहे थे कि कोई साउंड चल रहा था उनका, या क्या था एपिसोड वो? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। एक जगह मैं सरंदी गेट में किसी के घर चाय पीने गया, हमारे जानने वाले, पॉलिटिकल चाय थी, लेकिन मैं अकेला ही था, मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं था। एक आ शायद खुर्शीद भाई साथ में होंगे। चाय पी के मैं वहाँ से निकला, मैंने घर वापस आना था, मेरा कोई प्रोग्राम उसमें नहीं था। मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, वहीं पास में कोई झाड़ू वालों का प्रोग्राम था, एक बड़ा फितना कैंडिडेट है इनका, जमीलू, 15वीं पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा, सिमी से शुरू करके कोई पार्टी उसने छोड़ी नहीं, फितना किस्म का इंसान है। उसके एक ग्रुप ने दे ट्राई टू चेज मी, दे ट्राई टू ह्यूमिलेट मी, ए ग्रुप ऑफ देम। आई जस्ट रश टू नेक्स्ट, देयर वाज अनदर गैदरिंग, एक और गैदरिंग थे वहां पे कांग्रेस के लड़कों की, वो भी कोई जलसा नहीं था। वो लड़के इकट्ठे होके एक थड़े पे, एक प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक चला रहे थे, पॉलिटिकल म्यूजिक, गाने शाने मलेरकोटला में बहुत चलते। तो वो भी 50 गज दूर था, मैं सीधा लपक के उस पर पहुंच के मैंने माइक को ग्रैब करके आई स्पोक दीज लाइन्स। मैंने क्या लाइनें बोली थी जिसको लेकर इतना बड़ा इशू बन गया, जिसको धार्मिक इशू बना दिया गया? मैं पहले ही कह चुका हूँ, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं था। जो भी मैंने बोला है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उन फितनों के खिलाफ मैंने बोला है, मैंने माइक संभाला, क्या लाइन पे फोकस है वहाँ, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, इसका मतलब कोई प्रोवोकेशन हुआ है ना, मैं जो कह रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो मैं इनका कोई जलसा नहीं होने दूंगा। किन का? संबित पात्रा जी, झाड़ू वालों का। झाड़ू वाले कौन है? वो भी मुसलमान है। जमीलू, फितना, मैं भी मुसलमान हूँ। तो पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? मैं इनका कोई जलसा नहीं होने दूंगा अगर मेरे साथ ऐसे हरकत हुई। वो क्या हरकत हुई है वो मैं लिख के दे चुका हूँ प्रशासन को। इसी की कंटिन्यूटी में मैंने प्रशासन को ताड़ना करने की कोशिश की कि आपका क्या इंतजाम है। एक आदमी, शरीफ आदमी जा रहा है एंड ही इज बीइंग चेज्ड बाय हूलीगन्स, ये जो बदमाश हैं, गुंडे, झाड़ू वाले, ये दे ट्राई टू ह्यूमिलेट हिम। डू यू थिंक मैं कहूंगा अच्छा जी मैं घर में जाके बंद हो रहा हूं अपने? नहीं, मैं तो कौमी सिपाही हूं। मैंने कौमी का मतलब कुछ क्या कहना चाहूंगा, नेशन, देश का सिपाही। कौमी तराना सुना है ना, देश का तराना। मैं कौमी सिपाही हूं, सारी उम्र कौम की लड़ाइयां लड़ी हैं मैंने, सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे लड़ाइयां लड़ी। संबित पात्रा को तो पता ही नहीं कौम क्या होती है। जी जरूर, ये थे मोहम्मद मुस्तफा, जिन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट है वो मुसलमान है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जलसा हो रहा था जहां पर साउंड लगाया हुआ था, उस शब्दों को लेकर इन्होंने जो बयान दिया था उसके साथ इनका कहना है कि छेड़खानी हो सकती है, पर मैंने जो बयान दिया वो वीडियो स्पष्ट सुनाई दे रही है, अभी मैं किस पर बोल रहा हूं, पर ऐसी राजनीति करनी ठीक नहीं है। कीर्तिपाल, जी मीडिया, मलेरकोटला।